युवक को चकमा देकर फोन लेकर फरार हुआ शातिर। फोन के पीछे कवर में पड़े थे 6000 नगद। मामला थाने में दर्ज। कल रात वैशाली नगर में ब्रिजेश नामक युवक निवासी राजीव कॉलोनी पैदल जा रहा था, तब इसके पीछे एक युवक आया और उसे फोन मांगा। युवक ने कहा कि वह अपने दोस्त से बात कर रहा है और शातिर वहीं पर रुका रहा। जैसे युवक ने फोन काटा और युवक ने शातिर को बात करने के लिए फोन दिया, वह शातिर फोन कान पर लगाकर कुछ ही देर में युवक को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। युवक ने उसको पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वह शातिर पल्सर गाड़ी पर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद युवक ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। युवक ने बताया कि इस फोन के पीछे वाले कवर में 6000 नगद भी पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले के तफ्तीश में जुटी है। तो एक बाइक वाला आया और मेरे को बोला, भैया आपका फ़ोन तो है का है। मैंने कहा अभी मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ थोड़ा है, उसमें 6000 रुपये नगद थे उसमें पर्स में, उसमें मोबाइल की कवर के अंदर पीछे। और मैंने ठीक है, मैंने फ़ोन काट के उसको दिया और उसको काट के उसने फ़ोन काटने पर लगाया और ऐसा बोला कि अभी रुक रहा हूँ इतनी देर में है लेके, और रवाना हो गया वो। और उसके बाद में उसको भागने की कोशिश भी करा था, भागते भागे इतनी देर में पकड़ा ही नहीं आया। फिर मैं रुक गया भाई भाई, फिर अल्लाह भी करा था थोड़ा बहुत, अल्लाह करते करते फिर कोई किसी ने सुना नहीं। मैंने एक बाइक बगल से ही बोला था तो भैया भी मेरा फ़ोन लेगा, उसने भी नहीं सुना। उसके बाद में अगर मैं आया फिर मैंने उसको देखते देखते मैंने तो भागने की कोशिश तो करी थी, फिर निकल गया इतनी देर में। तो और कोई दर्ज करी थी मैंने सर, और अगर उसने उन्होंने बोला है कि सुबह आ जाना कर देखने, तो आई थी तो कैमरा चालू नहीं है अभी, तो उन्होंने सुबह 10 बजे करीब आना आप, तो आप सुबह कैमरा सुबह चेक करके और आपको करेंगे। मोबाइल के साथ और क्या क्या था? मोबाइल के साथ 6000 रुपये नेट कैश थे इसके अंदर, कवर के अंदर। और नाम ब्रजेश है सर। आपका नाम ब्रजेश, कहाँ रहते हो? राजीव कॉलोनी। कितने बजे की बात आई? 4:55 की बात है। मोटरसाइकिल पर दो जन थे? एक था सर। है और मोटरसाइकिल कौन सी थी? पल्सर थी मेरे साथ, काले कलर की, काले कलर की, ब्लैक कलर की।